बहुत से लोग अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हैं और ऐसे में उन लोग को जो है पता नहीं होता है रूटिंग का रिस्क के बारे में, और कुछ लोग तो जानते भी नहीं है रूट आखिर में होता क्या है, बस निकल पड़ते हैं अपने फ़ोन को रूट करने के लिए। सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज कुशाल हियर, और आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन को सबसे ईजिएस्ट एंड सेफेस्ट वे से कैसे रूट कर सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो कुछ कमाल के रूट रिक्वायर्ड एप्लीकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू इट। रूट करने से पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि रूट एक्चुअली में होता क्या है। ऐसा नहीं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है और कोई बोल दिया भाई अपना फोन को रूट कर लो और आप जो है अपना फोन रूट कर लिए। तो अगर आपको रूट के बारे में नहीं पता है और आप जो है रूट कर लिए अपने फोन को, तो ऐसे में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकता है। तो गूगल अपने एंड्रॉइड ओएस को सेफ रखने के लिए एक प्रोटेक्शन डाल देता है जिससे कि आप कोई भी सिस्टम फाइल के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना कर सकें, बट रूट के जरिए आप अपना फोन पे पा सकते हो फुल कंट्रोल, क्योंकि रूट के जरिए आप अपना फोन का हर एक फाइल, चाहे वो सिस्टम फाइल हो या फिर यूजर डेटा, सभी फाइल्स को आप जो है रीड और राइट कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो रूट एक्सेस मतलब अपने फोन का प्रोटेक्शन को तोड़ के सिस्टम फाइल्स को एक्सेस करना, जिसको आईफोन में जेलब्रेक भी कहा जाता है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो और आप अपना फोन का स्टॉक फीचर्स से काफी खुश हो और आपको नीचे कोई एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर आपको इन सब चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अपना फ़ोन को जो है रूट ना करें। और जिन लोग को ये सब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है और वो रेडी है वो रिस्क लेने को और अपने फ़ोन में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पाने को, देन दोस गाइस मे प्रोसीड, क्योंकि रूट रिक्वायर्ड ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसमें आपको काफ़ी अच्छा अच्छा फीचर्स मिल जाता है। कुछ सिस्टम यूआई के बारे में होता है लाइक सबस्टेटम, या फिर कुछ हैकिंग के बारे में होता है लाइक फ्रीडम, और ऐसा बहुत सारा एप्लीकेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो अपने फ़ोन को रूट करने के बाद। बट कोई भी एप्लीकेशन को रूट एक्सेस देना मतलब वो ऐप आपके सिस्टम पे कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है, तो आप जो है सोच समझ के रूट एक्सेस को ग्रांट करें। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी फ़ोन को वन क्लिक में रूट किया जा सकता है, बट वो जो है सेफ तरीका नहीं है अपने फ़ोन को रूट करने का। तो अगर आप एक बिगिनर हो इन सब चीज़ों में, तो आपको ये सब को ध्यान में रखते हुए आपका डिवाइस को जो है रूट करना चाहिए। सो मैं यहाँ पे न्यू फोन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल जो है पुराने फोन्स को कोई यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब जो है 4G आ गया है और काफ़ी अच्छा अच्छा फोन भी आ गया है और आजकल ऑलमोस्ट सारे फोन में बूट लोडर इंस्टॉल होता है। सो द फर्स्ट थिंग इज आपका फोन का बूट लोडर जो है उसको अनलॉक करना ज़रूरी है। हालांकि लॉक बूट लोडर भी आपका फोन रूट हो सकता है, बट वो मेथड जो है काफ़ी रिस्की है, क्योंकि रूटिंग के दौरान अगर आपका फोन ब्रेक हो जाता है तो आप जो बूट लोडर से अपना स्टॉक रोम को रिफ्लैश नहीं कर सकते हैं। सो द सेकंड थिंग इज आपके डिवाइस के लिए कोई भी एक कस्टम रिकवरी अवेलेबल होना जरूरी है, क्योंकि उसी की मदद से आप अपने फोन को सेफेस्ट तरीके से रूट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे, और यहाँ पे आप अपना फोन का मॉडल नंबर जो है डाल दीजिए और उसके एक स्पेस के बाद आप XGA को ऐड करके सर्च कर दीजिए। तो XGA एक स्मार्टफोन एंड अदर डेवलपमेंट वेबसाइट है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे फोन्स के लिए कस्टम रॉम्स, कस्टम रिकवरीज मिल जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पे ओप्पो वीवो की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप डेवलपमेंट सेक्शन में जाके अपना कोई भी कस्टम रिकवरी डाउनलोड कर सकते हो। लास्टली आपको और तीन फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगा, एक तो है फास्टबूट ADV ड्राइवर, दूसरा है सुपर सेफ फ्लैशेबल जिप, और लास्ट जो है ऑल इन वन टूल। तो ये सारा फाइल्स का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आपको ये सारा फाइल्स को PC में कोई भी फोल्डर में प्लेस करना होगा। इन शॉर्ट आपके पास होना चाहिए एक बूट लोडर अनलॉक्ड फोन, एक कस्टम रिकवरी, सुपर सेफ फ्लैशेबल जिप एंड ऑल इन वन टूल। अब हम लोग चलते हैं एक्चुअल मेथड पे। तो अगर आप अपने फ़ोन का बूट लोडर को जो है अनलॉक कर लिया है और आपने सारा फाइल्स को भी डाउनलोड कर लिया है और कॉपी कर लिया अपने PC में, देन आप बिल्कुल तैयार हो अपने फ़ोन को रूट करने के लिए। सो सबसे पहले आपको अपना PC में फास्टबूट ड्राइवर एंड ऑल इन वन टूल को जो है एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। Thank you.
ये दोनों चीज इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना फोन को पावर ऑफ करना होगा और उसके बाद जाना पड़ेगा फास्ट बूट पे। तो फास्ट बूट में जाने के लिए आपको डिफरेंट फोन में डिफरेंट की कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। इन दैट केस मेरे पास MI का फोन है, तो यहाँ पे आपको पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन होल्ड करना पड़ेगा बूटिंग के दौरान, इससे कि आपका फोन जो है बूटलेयर मोड में बूट हो जाएगा। उसके बाद आप अपने फोन को कनेक्ट कर लीजिए PC से डेटा केबल के थ्रू और ऑल इन वन टूल को जो है ओपन कर लीजिए। उसके बाद चेक पे क्लिक करके आप पहले देख ले कि आपका फोन का ड्राइवर जो है सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो आपका डिवाइस जो है वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद बूट लोडर स्टेटस पे क्लिक करके चेक कर ले कि आपका फोन का बूट लोडर जो है सही से अनलॉक हुआ है या नहीं। देन आप यहाँ से अपना फोन को सिलेक्ट कर ले और अगर आपका फोन लिस्ट पे नहीं आता है तो आप सिंपली जेनेरिक फोन पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से फ्लैश डिजेबलर पे क्लिक करके अपना कस्टम रिकवरी को जो है सिलेक्ट कर ले। एंड बूट ऑप्शन को टिक करके सिंपली फ्लैश पे क्लिक कर। एंड नाउ यू आर ऑल डन विद PC। उसके बाद आपका फोन ऑटोमेटिकली रिकवरी पे बूट हो जाएगा। रिकवरी पे आते ही पहले आप अपना स्टॉक रोम का जो है एक बैकअप क्रिएट कर लें बैकअप पे क्लिक करके, क्योंकि इनकेस अगर आपका फोन लीक हो जाता है तो आप अपना स्टॉक रोम को जो है रिस्टोर कर सकते हो। उसके बाद आप इंस्टॉल पे या फिर इंस्टॉल जिप पे जाके सुपर सुजिप को जो है सिलेक्ट कर ले और उसको फ्लैश कर दे। और एक बात मैं आपको बोलना भूल गया कि आपको वो जो सुपर सुजिप है उसको आपको फोन मेमोरी पे या फिर फोन का SD कार्ड में रखना होगा। एंड आफ्टर सक्सेसफुली फ्लैशिंग रिबूट योर डिवाइस एंड वोला यू हैव सक्सेसफुली रूटेड योर डिवाइस। सो जो लोग इतना ह्यूज प्रोसेस फॉलो नहीं करना चाहते और सिंपली रूट करना चाहते अपने फोन को वन क्लिक में विदाउट PC, तो आप लोग KingoRoot एप्लीकेशन को डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लो अपने फोन में एंड सिंपली अपना नेट कॉन करके रूट पे क्लिक करते ही कुछ ही देर में आपका फोन जो है रूट हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका फोन को कुछ हो जाता है तो आप जो है उसको अनलो नहीं कर सकते। सो दैट वाज प्रीटी मच ऑफ इट गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा और आप अपने फोन को सक्सेसफुली रूट भी कर लिए। देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस लेटर ऑन। I know that you like it like that. I wait designer, check the name on the tag. White fox fur on my jacket. Excuse me, that's a